हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आपको याद ही होगा मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में माइनक्राफ्ट खेली थी। माइनक्राफ्ट नहीं, मैंने दूसरी गेम खेली थी वेगास ट्रैप सिम्युलेटर। तो आशा है आप लोगों को वो वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों आज मेरे साथ आपके साथ फिर से खेलने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट। तो दोस्तों आपको याद ही होगा पिछले वीडियो में मैंने अपना चारों रियो बना लिया था शेल्टर सा, ताकि मेरे को मार ना दे। और मैंने क्राफ्टिंग टेबल बनाई थी एक वुड काट के, और बहुत सी वुड काट तो दी थी मैंने, लेकिन एक यहाँ पर लगाई थी मैंने जल्दबाजी में, लेकिन एकदम से अच्छे से नहीं चल रहा था ये इसे जल्दबाजी में। लेकिन अभी मैं इसे यहाँ से हटा लेता हूँ, ऐसे करता हूँ अभी मैं थोड़े बहुत अब मैं आज अपना घर बनाऊँगा। मैं बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ, इसलिए आज मैं थोड़ा बड़ा वीडियो बनाऊँगा ताकि आप लोगों को भी थोड़ी अच्छी लगे मेरी वीडियो। और वैसे भी अब मेरे को चिंता करने की बात नहीं है। और एक तो मैं सबसे पहले वुड काटता हूँ, वुड काटूंगा तो पता है उससे क्या होगा। ओए अंडा देखते हैं, लेकर खा सकते हैं क्या संडे को। ओए चूजा निकल आया, ये तो कितना प्यारा है। चलो छोटे से मारते नहीं, हो सकता है बड़ा हो जाए फिर हम इसे काम दे। तो मैं पहले बहुत छोटी छोटी वीडियोज़ बनाता था, इसलिए मैं थोड़ी बड़ी वीडियोज़ का एम करूँगा। तो इसके अंदर चलो देखते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ बनाया तो था यहाँ पार्ट। हाँ ये रहा वो, पर पानी में होता है ना वो मॉन्स्टर, वो बड़ा तंग करता है मेरे को। चलो अभी मैं पहले यहाँ डर्ट्स कलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे बहुत से। वो यहाँ पे ये स्टोन सा क्या है, और एक बार तो क्रीपर फट जाता है तो बहुत सारे डर्ट्स आराम से मिल जाते हैं, हमें खोदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती इतनी। और ये चीज़ है वो, ये कह रहा था मैं क्या है, कितना आयरन ब्लॉक लग रहा है कोई, कुछ ऐसा ही होता है आयरन ब्लॉक जो कि आयरन गोलम बनाने में यूज़ होता है। वो यहाँ तो ढेर सारे हैं, चुनके चिंता नहीं ज़रूरत नहीं। ओ भाई ऐसे ही तो ख़त्म ही नहीं होंगे, मैं ना ऐसे ही तोड़ सकता हूँ अपनी वुडन पे क्या से देखता हूँ। ओ भाई ये है क्या आखिर, भाई लक्षण को एकदम मस्त रहे हैं। वो क्ले है ये तो पता नहीं, पर सही तो लग रहे हैं इस करता हूँ। अभी मैं लेता नहीं इन्हें, पहले देख लेता हूँ एक बार कोई है तो नहीं। सबसे पहले मैं डर्च लगा के यहाँ चलूँगा ताकि मैं सेफ रहूँ, यहाँ पे कोई ख़तरा ना हो उनको। उनको यहाँ बहुत ध्यान से चलना होगा कि आप तक कोई भी मेरे को आके मार दे यहाँ पे, इस जगह का ना उस भरोसा नहीं है। जहाँ देखो पानी में कब गिर जाओ पता भी नहीं लगता, इसे उनको यहाँ पे अपना हर एक कदम ध्यान से रखना होगा। चलो अब यहाँ पे हो गया है, ऊपर एक केव था यहाँ पे हो सकते हैं मॉन्स्टर्स, यहाँ तो बहुत से साइंस भी हैं, लगते नहीं रहा कोई मॉन्स्टर होगा। वो नहीं है यहाँ कोई मॉन्स्टर। चलो फिलहाल अभी मेरे को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, अभी मैं बस अपना चलता हूँ आगे, और थोड़ी ज़्यादा मस्ती नहीं करनी अभी मेरे को, मैं पानी में कभी भी गिर सकता हूँ। तो वो अच्छे सा प्लेन माउंटेन ढूंढना होगा पहले, जिस पर मैं अपना घर बना सकूँ। क्यों बनाऊँगा तो मैं अपना घर माउंटेन पे ही, चाहे जो हो जाए कोई बढ़िया सा माउंटेन। ये सही लग रहा माउंटेन, ऐसा करता हूँ मैं इसे शेप दे देता हूँ। और को स्टोन है क्या मेरे पास, वही तो दो ही स्टोन है बस। अरे दो स्टोन से क्या होगा, ऐसे करता हूँ मैं फटाफट माइनिंग के लिए जाता हूँ, वहाँ से मैं बहुत सारा स्टोन लेके आता हूँ, फिर स्टोन होएगा उसके मैं बहुत सारे टूल्स बनाऊँगा। स्टोन तो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी होता है वुड से, तो हो सकता है वो हमारा जल्दी ख़त्म भी ना हो। और मुर्गियाँ आ गई इसमें, तो कुछ मिल ना जाए बस यहाँ पे। मॉन्स्टर्स वगैरह बहुत होते हैं आज यहाँ पे, और यहाँ हो सकते जल्दी से रात भी हो जाए। साथ साथ में वो देखना भी पड़ेगा यहाँ रात ना हो जाए, क्योंकि इस गेम में कुछ भरोसा नहीं है, पता नहीं कब दिन हो जाए कब रात हो जाए पता नहीं लगता इस गेम में। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से रहना होगा, और अपनी थोड़ी पिकैक्स को भी बचा के रखना। वो आयरन है वहाँ तो, पर आयरन यहाँ पे पिकैक्स नहीं टूटता है, इस वुड की किसी और चीज़ से टूटता है वो, मेरे को पता नहीं। अभी मैं उसके बारे में सोचूंगा किससे टूटता है वो, तोड़ के तो देखूंगा फिलहाल उससे किससे टूटेगा वो। आखिर
हाँ तो भाई बहुत सारा स्टोन मिल गया मेरे को, ना ज़्यादा भी नहीं हुआ इतना स्टोन, मेरे पास 6 ही हुए हैं बस स्टोन्स। और यहाँ पे टॉर्चेस अच्छा वहाँ मैंने लगा दी थी पिछले गेम प्ले में अपने, जिससे मेरे को ओ यहाँ पे और भी आयरन, एक आयरन तो मैं तोड़ के देखता हूँ उससे, आई होप कि टूट जाए। मेरा टाइम लगा रहा है मतलब कि नहीं टूटना, जो भी चीज़ें टाइम लगा रही टूटने में तो टूटती नहीं है मतलब, और अगर टूटती भी है तो डिस्ट्रॉय हो जाती है वो जभी के जभी। बस अब मैं एक बार देखता हूँ, जो बाहर मौसम तो दोपहर हो गई है यहाँ पे, पर फिलहाल कॉबल स्टोन तो मेरे पास 10 हो गया है, और ये जो रेडियोट है ये मेरे पास अभी 10 है ये भी शायद। तो चलो अभी मैं फटाफट से अपने यहाँ मिशल जाता हूँ। और ये क्या कर रहा है बाहर डर्ट, ये तो मैं गलत तोड़ दिया लग रहा है। हाँ मैं डॉट लेता हूँ यहाँ पे, और इसे मैं यहाँ लगा देता हूँ, बंद कर देता हूँ। तो चलो अभी हम फटाफट से सो जाते हैं। चलो अच्छा हुआ मैं बेड बनाया हुआ, जल्दी सुबह हो जाती है फिर इसमें, फिर चिंता नहीं करनी पड़ती इतनी। चलो एक नया डे स्टार्ट हो गया यहाँ पे, यहाँ पे ऐसा लग रहा अभी भी नहीं हुआ, रात तो नहीं हो रही अभी। अच्छा डरने वाली बात नहीं है, अभी मैं जल्दी सो गया था इसलिए मॉन्स्टर्स बाहर नहीं आए, अगर बाहर आ गए तो ज़्यादा मुश्किल हो जाती। यहाँ पे मेरी पिकैक्स जो है वो भी ख़त्म होने वाली है, इसलिए मेरे को यहाँ पे अपनी दूसरी पिकैक्स बनानी होगी। अच्छा तो मैं ऐसे करता हूँ फटाफट से क्राफ्टिंग टेबल में स्टोन की बनाता हूँ एक पिकैक्स। हाँ सर्च करता हूँ, ओ यहाँ पे तो बहुत सारा बन सकते हैं मेरा सामान। ये क्या है, रेड आए पता नहीं क्या है ये तो स्ट्रिंग। अच्छा मैंने स्पाइडर मारा था आपसे, आपकी वीडियो में नहीं मारा था वैसे, मैं पहले मारा था। देखता हूँ कि क्या, अरे ये तो इसमें बनेगी पिकैक्स भी क्या चाहिए होगा। अच्छा मेरे को वो भी चाहिए होंगे स्टिक्स, मैं स्टिक्स यहाँ फटाफट से बना लेता हूँ, मेरे पास वुडन प्लैंक्स तो है तो बन जाएगी स्टिक्स। 4 स्टिक्स चलो मेरी यहाँ बन गई है, अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ अपनी पिकैक्स वो भी स्टोन की। वो यहाँ पे 3 बन जाएगी पर फिलहाल मेरे को अभी एक ही की ज़रूरत है। चलो एक पिकैक्स मेरी यहाँ पे बन गई है। ये जो स्ट्रिंग होती है हमें स्पाइडर को मार के मिलती है, ऐसा करता हूँ मैं आयरन अब इससे तोड़ के देखता हूँ, मैं स्टोन की पिकैक्स है ये जो, इससे मैं आयरन तोड़ के देखूँगा, अगर आयरन टूट जाए तो अच्छी बात है नहीं तो देखते हैं कुछ और। ओ आयरन टूट रहा है इससे, चलो अच्छा वो आयरन टूट रहा है इससे, मज़े आ रहे हैं इसी बहाने। वन आयरन के लिए मुझे बहुत माइनिंग करनी पड़ती है, ओ यहाँ तो ढेर सारा लग रहा है आयरन, फिर नीचे तक है यहाँ तो आयरन, पता नहीं कितना नीचे है। ये रहा एक और, यहाँ पर एक और रास्ता निकल रहा है, कोई और आयरन नहीं है क्या यहाँ, काश और ज़्यादा आयरन होता मज़े आ जाते। चलो ऐसे ही, लेकिन मैं अपनी इस वाली पिकैक्स को वेस्ट नहीं करूँगा। वो एक और आयरन ब्लॉक, एक और, यहाँ पर ज़्यादा लालच नहीं करना वैसे मेरे को, यहाँ पर सभी जितना मिलता है इतना ही लूँगा, और यहाँ ज़्यादा ही ले लूँगा मैं तो फिर यहाँ पे हो सकता है मैं ले ही ना जा पाऊँ उसे अपने घर, और अगर मैं उसे घर ही नहीं ले गया तो क्या फ़ायदा उसका। चलो यहाँ पे भी और आयरन नहीं मिल रहा है मेरे को, लेकिन अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ और इसे अपने घर पे रख के आता हूँ। वैसे अभी मैं घर तो नहीं है मेरा ये, मैं इस पर माउंटेन पर फटाफट से जाता हूँ अपना घर बना लेता हूँ। घर बनाने के पहले तो मेरे को यहाँ पर सीढ़ियाँ भी बनानी होगी ऊपर जाने के लिए, और मेरे पास अभी स्टोन भी काफ़ी है। जो स्ट्रिंग से एक वेपन बनता है जिसे कहते हैं शायद एरो, एरो नहीं उसे शायद धनुष कहते हैं, बो इंग्लिश में उसे बो कहते हैं, तो मैं अभी वो बनाऊँगा स्ट्रिंग से। तो सबसे पहले तो मैं इस छेद को बंद करता हूँ, क्या पता मैं कब पानी में गिर जाऊँ, मेरे को अभी पानी ज़रूरत भी नहीं है। वो यहाँ पे एक ही था ये डर्ट,
अरे नहीं और भी एडर्ट तो मैं बेकार में चिंता कर रहा हूँ। अब देख लेता हूँ पानी तो यहाँ रहेगा ना नीचे। हाँ जब भी उनको पानी की जरूरत होगी मैं यहाँ आ जाऊंगा। हाँ चलो इस बार में इतना श्योर हो गया कि यहाँ पानी रहेगा ही रहेगा, तो ऐसे चढ़ता हूँ मैं यहाँ ऊपर ऊपर। और मैं अपने कोई भी पिकैक्स वेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पे मैं ये भी तोड़ता हूँ, पूरा पूरा प्लेन कर दूंगा ऐसे ऐसी सीढ़ियाँ बनाते हुए। और फिर मैं स्टेयर्स भी अच्छी खासी बना लूँगा। इस माइन में डर्ट्स भी काफ़ी कलेक्ट हो जाएंगे, चाहे कहीं ना पड़े हमें ज़रूरत, लेकिन डर्ट की कहीं ना कहीं तो छोटी ज़रूरत तो हमें पड़ ही जाती है, इसलिए अगर डर्ट रहेगा हमारे पास तो ये बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। बल्कि यहाँ पे इतना तो मैं बना लिया है, ये भी यहाँ करता हूँ, पूरा शेप में करेंगे। जैसे कि आप तो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ देख ही सकते हैं मेरा घर कितना बढ़िया हो गया है। यहाँ घर तो नहीं बना, अभी मैंने सीढ़ियाँ तो बना ली है यहाँ पे। ऐसा तो फटाफट से मैं अपना बेड लेके आ जाता हूँ वहाँ से। तो बाकी तो यार फ्रेंड्स आप लोग देख ही सकते हैं मेरे पास कितना ज़्यादा कॉबल स्टोन हो गया है। यहाँ पर मेरे पास जो मैं स्टोन की पिकैक्स है वो भी एकदम ख़त्म ही होने वाली है, तो मैं नई भी बनाऊँगा अपने साथ और एक वुड की भी पिकैक्स बना लूँगा, कि जहाँ पर जैसी कोल होता है उसके लिए मेरी स्टोन की ये पिकैक्स जो है वेस्ट हो जाएगी। और इस कबाड़ को भी तोड़ते हैं हम। यहाँ पर स्लो स्टोन भी लगाता हूँ, अभी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है इसकी, इसे तो चलो मैं हाथ से ही तोड़ देता हूँ। चलो इसी से तोड़ देते हैं। जो मैंने अपना बेड ले लिया है, बेड यहाँ फिलहाल अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बेड ही नहीं लगाया मैंने कहीं पर, अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट ही नहीं किया, तो अगर मैं मर गया गलती से भी तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो बेड तो अभी हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर रात हो गई तो फटाफट से मेरे को सोना पड़ेगा यहाँ पर। वैसे बाकी तो यार आप लोग देख सकते हो इतना बढ़िया घर हो गया है, बस मैं अभी यहाँ पे एक रूम भी बना लूँगा, कॉबल स्टोन की दीवारें बनाऊँगा यहाँ पे। तो मैं वैसे चढ़ने में टाइम तो लग रहा है काफ़ी, मैं ऐसी सीढ़ियाँ बनाऊँगा बाद में जिससे चढ़ने में टाइम लगेगा ही नहीं बिल्कुल। यहाँ तो ये पूरा पहाड़ ही ख़त्म हो गया यहाँ पर, तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हम एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ अपना बेड रखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं अपना बेड तो रख ही देता हूँ, अपना रिस्पॉन पॉइंट यहाँ पे सेट कर लिया मैंने। और ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, भी बेड तोड़ना ही पड़ेगा मेरे को, ठीक है। इसमें भी मैं यहाँ कॉबल स्टोन लेता हूँ, ये कौन सा है वैसे, एंडेसाइट पता नहीं कोई स्टोन होगा शायद। कॉबल स्टोन को भी मैं लेता हूँ यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ नहीं ऐसा करता हूँ। अरे ये तोड़ने में भी ज़्यादा टाइम लेगा, अब इसे मैं यहाँ से तोड़ता हूँ, ये ख़त्म ना हो जाए फिर तो मुश्किल हो जाएगी काम निकालने में। अब इसे मैं यहाँ पे बिछा देता हूँ, यहाँ पर वैसे बढ़िया तो लग रहा है, यहाँ पे कोई डर तो नहीं लग रहा मेरे को। यहाँ पर हम अपनी क्राफ्टिंग टेबल भी लानी चाहिए थी मेरे को, यहाँ बन सकती है कि मैं क्राफ्टिंग टेबल देखता हूँ अभी, क्राफ्टिंग टेबल अगर बन सकती हो तो उससे मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, ये अभी तो नहीं बन सकती वैसे मेरी, लेने जाऊँ क्या मैं वहाँ? चलो वहाँ ले ही आऊँगा मैं यहाँ। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ इसे कवर तो कर ही देता हूँ, बस अभी बीच में खुला रहने देता हूँ, वरना अगर मेरे को पिकैक्स की ज़रूरत पड़े तो मैं तोड़ ना पाऊँ उसे, क्योंकि पिकैक्स की मेरे बस एक बार और ये पूरी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए मेरे को इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा। क्राफ्टिंग टेबल वैसे ले आऊँगा फिर कोई परेशानी तो नहीं रहेगी, क्योंकि मैं आराम से फिर बना लूँगा अपने सारे टूल्स कॉबल स्टोन के एंडेसाइट के, तो कोई परेशानी तो नहीं रहेगी वैसे बाद में। फिर भी फ़िलहाल अभी ज़रूरत तो है मेरे को काफ़ी यहाँ पर, और एक तो मेरे को वुड भी तोड़नी है काफ़ी, वैसे तोड़ी नहीं जाती वुड काटी जाती है, वुड काटनी भी है मेरे को वैसे काफ़ी, और ये टूटते हिस्से है फिर बड़े टाइम ले रही क्राफ्टिंग टेबल तो। अच्छा मेरे को डिस्ट्रॉय हो जाएगी,
फटाफट से मैंने अपने क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पर उठा लिया और फटाफट से मैं वहाँ लेके चलता हूँ जहाँ पे मैंने अपना रूम बनाया है नया। और फिर से मैं बहुत सी टॉर्चेस भी बनाऊँगा जिससे मैं माइनिंग के लिए जाऊँगा। माइनिंग में आसानी हो जाएगी टॉर्चेस से काफ़ी, और उसके बाद मैं फार्मिंग भी स्टार्ट करूँगा और जिसके लिए मैंने बहुत सारा आयरन भी कलेक्ट कर लिया है। आयरन की मैं बकेट से यहाँ ले आऊँगा आयरन से बना के। यहाँ पे वैसे पानी है मेरे को ज़रूरत। ओ लगते हैं यहाँ तो मैं बहुत ही गलत बना दी कुछ। चलो अच्छा हुआ मेरी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई अभी बस, बाकी तो अब चिंता करने की बात नहीं है। ये ख़त्म हो भी जाए मेरी तो मैं बना लूँगा आराम से। यहाँ पे मैं अपना बेड रख देता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल को भी प्लेस कर देता हूँ। अच्छा बनानी पड़ेगी, तो मैं लाया तो था अपने साथ क्राफ्टिंग टेबल। हाँ ये रही, मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर दिया है फिलहाल। चलो ये मेरा रूम तो बढ़िया बन गया वैसे काफ़ी। तो नज़ारा देखते हैं एक बार यहाँ से ऐसा दिखता है। ओ भाई क्या तगड़ा नज़ारा है यहाँ से। और यहाँ पे मैं अभी इतना, चलो सही है मेरा बेड इतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं लग रहा। यहाँ पे अभी ऐसा लग रहा है कि होने वाली है रात। चलो मैं टॉर्चेस लगाता हूँ यहाँ पे, टॉर्च देखता हूँ कैसे बनेगी। ये टॉर्च, ओ चार बन सकती है तो बन गई क्या मेरी। चलो मेरे पास ओ 9 टॉर्चेस हो गई यहाँ तो मेरी। मैं सोचते हैं यहाँ थोड़ा उजाला भी कर देते हैं और ना ऊपर भी लगा देते अपने घर के। तो बाकी तो यार आप लोग देख सकते हो क्या बढ़िया है यहाँ पे। अभी रात नहीं हुई अभी तक, कितना तो गंदा मौसम हो गया। और कह रहे हैं ये लोग रात नहीं हुई, अरे यार गलती से यहाँ पे लग गया ये, फटाफट से टूट जाए क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। अभी मैं अपने यहाँ की स्टोन की पिकैक्स यूज नहीं कर रहा, पता नहीं ये लोग और कितनी रात करेंगे। चलो अब तो फिलहाल होएगा योगी रात। चलो यहाँ पे फटाफट से मैं सो जाता हूँ और यहाँ पे उठ भी गया हूँ मैं। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।